नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने अभी अभी बड़ी घोषणा की है। लगातार रीट के अभ्यर्थी परेशान है, सोशल मीडिया पर लगातार एक ही कवरेज है कि रीट की विज्ञप्ति कब आएगी और कब एग्ज़ाम होगा। और इसको लेकर आज बीकानेर में जब शिक्षा मंत्री जी का सामना हुआ, तो शिक्षा मंत्री जी ने एक बार के लिए रीट भर्ती पर स्पष्ट रूप से बयान दिया है और जो फरवरी माह में जो एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हो, इन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ट्वीट देख सकते हो, शीघ्र आयोजित होगी रीट परीक्षा, सरकार के स्तर पर तैयारी को दिया जा रहा है अंतिम रूप। तो दोस्तों, इस प्रकार का बयान यही बताता है कि जो फरवरी माह में जो एग्ज़ाम के लिए इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है और तैयारियां फाइनल रूप अंतिम रूप सरकार ने अपने रूप से दे दिया है। और आज आपने जो पहले वाला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में क्लियर शब्दों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कह रहे थे कि जैसे ही हमको आदेश मिलेगा हम शीघ्र ही समय पर परीक्षा आयोजित करवा देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ये परीक्षा की तिथि जो फरवरी है उसको फाइनल मान के अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये विज्ञप्ति निकलने के बाद आपको किसी प्रकार से इस गवर्नमेंट में कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये आप और देख सकते हो, प्रदेश के कॉलेजों को मिलेंगे 920 नए व्याख्याता प्राचार्य के DPC भी जल्द। तो दोस्तों, जिले के जो प्रभारी हैं उस शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी जो आज चूरू गए थे, चूरू में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था और कहा था कि 920 जो कॉलेज लेक्चर की लगातार विज्ञप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी जल्दी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और उनके एग्ज़ाम 2021 में होकर 2021 में ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों, और ये बीकानेर के जो प्रभारी मंत्री है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो इन्होंने यहाँ पर बयान दिया है, इसके साथ आप ये वीडियो भी देख सकते हो जो बीकानेर में आज ही लिया गया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और कोई से के पास नहीं है, आ जाओ लगाओ। अभी है तीन चीज है, आराम आराम सा तीन चीज है। एक तो जो किसान के विरोधी तीन बिल केंद्र में आया है, आ तीनों बिल में किए है, लोगों ने समझानी पड़ेगी, हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। एक तो MSP खत्म कर रहा है किसान की, और मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो MSP खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी तो किसान ने जिसकी लागत है भाई नहीं मिल पाओ। दूसरी चीज जो को आवश्यक वस्तु अधिनियम है भी के मायने जो को एक राइडर दियेड़ो हो के साहब इतना ही माल रख सके है तो जिससे कालाबाजारी को नहीं होती, अब बिना अगर फ्री कर दी जो की कानून में, तो फिर पौने पौने दम हम अपनी फसल खरीदेगा और फिर मैं...